नमस्कार, रूपांशुस किचन में मैं रेणुका गांधी आप सबका स्वागत करती हूँ। आम का सीजन है, आज हम आम से जैम बनाएंगे। मैंगो जैम बनाने के लिए मैंने 2 हापुस आम लिए हैं अल्फांसो, उसको बारीक काट के पीस लिया है और उसको छान लिया है, उसका पूरा रेशा अलग कर दिया है। ये 100 ग्राम चीनी है, उसको भी पीस लिया है। ये 1 नींबू का रस है, उसको हम जैम में डालेंगे। मैंगो जैम बनाने के लिए हम एक पैन में आम का पल्प लेंगे, उसमें पिसी चीनी डालेंगे, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बताया चीनी की, और ये नींबू का रस, ये सब डाल के हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार हिलाना है, नहीं तो ये तली से लग जाएगा। जैम को हिलाते हिलाते 5 मिनट हो गए हैं और करीब करीब 10 से 15 मिनट और लगेंगे इसको बनाने में। नींबू का रस हम इसमें इसलिए डालते हैं कि इसकी शक्कर जमे नहीं और इसमें एक बहुत बढ़िया सी शाइनिंग आ जाए, और फिर इस जैम को हम काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख कर उपयोग कर सकते हैं। ये मैंगो जैम तैयार होने वाला है, ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारा मैंगो जैम बनके तैयार है। इसको चपाती के साथ, ब्रेड के साथ कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।